हेलो ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो। हेलो कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ, हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है, अच्छा, ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। अच्छा, तो मतलब तेरे चुटकुल्ले वगैरह बनाने की कंपनी का बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। अच्छा जी। जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। स्वेटर धो के पेटी में रख दो अगले साल के लिए, है ना। अब और एक सुनिए, और एक सुना भाई, सुना। कागज है ना, नुक्ता लग जरूरी, कागज कलम दवात ला दे। अच्छा। हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुको, उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे। अच्छा। गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। एक सेकंड। जब भी जिंदगी में, सॉरी एक लास्ट, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले। अच्छा। खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के सको। गलत बोल रहे हैं आप। गलत के सुबह सुबह फोन करने के लिए आपको क्या लेन देना? आप नहीं बात करनी, मत करो। एक काम कर, मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ। क्या बता? कागज को बत्ती बना ले। हाँ। और डाल ले। कागज को बत्ती बना ले और डाल ले, गर्मी आ गई है और आजू बाजू के टी शर्ट निकाल ले। मजा आया भाई साहब? थोड़ा बीच में थोड़ा घटियापन था, लेकिन मजा आ गया एंड में। घटियापन तू भी तो घटिया ही है, मार मार का कबूतर बना दे। मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का है, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, इस दुनिया में आए कुछ तो करते चलो। हाय भाई साहब, मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए नहीं, उसे रुमाल दिया जाए, उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ हंसा। आप कौन बोल रहे हो? एक सेकंड बता रहे हैं भाई साहब, क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैठा जी? बढ़िया हो जाता भाई, फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। एक सेकंड में बता, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ाई तो निकाल के, ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा है भाई। चर्चा शुरू करें। बताओ। मैं ये कह रहा था कि इसराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे, अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए, इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे, ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का। सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं, मिलता नहीं। जैसे बिग बॉस की कन्या जीती, हाँ, उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर। भाई साहब, कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछो? इनका नाम बैरागी जी, बॉडम सहगल हमारे साथ। आप बॉडम सहगल भाई साहब? भाई मेरा क्या बातें कर रहे हो? हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। कौन जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं बताया ना, आपको बोल मैं बउआ बोल रहा हूँ। शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने बताया आपकी शादी तय हो गई, फिर से रहा जी गया। मैंने बोले नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूंगा। नहीं नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है? मतलब लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग कटवा ली माँ बाप से मेरी शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए। अच्छा। और कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है।
पहले शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारी जैसा कोई नहीं, फिर बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लव और बिजी हो तो बाद में लगाओ। शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? मेरा हो गया तो बस करे हो? नहीं हुआ नहीं। एक और पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। हेलो गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। अरे घंटा पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों शांतनु ने बताया ना तेरी शादी थे। अरे शांतनु हेलो 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 अरे कौन सामने भी बहू ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजो बाहर रखो तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करो। आप फिर जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ। देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपकी आँख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। हेलो देखा तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या तुम भाई साहब बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? हेलो आप अगर आप थोड़े लिटिल लिटिल लेते हो क्या? अभी तो खैर नवरात्रि है। लिटिल लिटिल हेलो लिटिल लिटिल बोल रहा हूँ। लिटिल 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 ले लेते हैं। तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? एक सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया। हाँ। पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है। हाँ। नीचे जमीन पे सर लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे बोल कौन रहा है? मेरे आखिरी सुपारी ले रखा है क्या? आप आलू नहीं उबाल पाओगे अगर पानी नहीं होगा। आलू नहीं उबलेगा उसका चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे। फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे तो उपवास रखोगे नहीं, और उपवास नहीं रखोगे माता रानी पाप देगी, पाप देगी तो फिर बात खत्म। आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं है? चाहिए पानी तो बचा रहे हैं तो अपना बस। और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है। हेलो हेलो जी भाई साहब आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, कौन बोल रही है? मैं बहुआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक भाई। हैं? हेलो हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहा है भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है भी एग्जैक्टली भैया पहले बड़ी यार। एक सेकंड रुकिए, जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है? बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे थे बैरागी जी। क्या, क्या, एक सेकंड आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी, एक्सपर्ट जिम्मेदारी बनती है समाज को दिखाने की। ठीक बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना। क्यों भाई साहब आपके मन में सवाल क्यों? हाँ भाई तो क्यों? कि जीएसटी जो है वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा ये नहीं है? ये नहीं है, ये अलग तरह की गर्ल सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार इतना गलत बोला इन्होंने बैठा की। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? मारवा दिमाग खराब। आप